हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। स्कूल संचालकों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है और लॉकडाउन के वक्त ऑनलाइन क्लासेस लगाई गई जिनके जरिए तमाम छात्रों को शिक्षा दी गई, उनको पढ़ाया गया, उनका सिलेबस पूरा करवाया गया, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के वक्त की भी फीस अभिभावकों से मांगी जा रही है। ऐसे में अभिभावक रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान उनका भी रोजगार छिन गया, तो ऐसे में वो किस तरह से उस फीस की राशि को पूरा करेंगे। जरा हमारी रिपोर्ट में सुनिए क्या कुछ कहना अभिभावकों का और स्कूल प्रशासन का। तस्वीरों में बैनर लेके खड़े इन लोगों को देख लीजिए। ये लोग वो अभिभावक हैं जो अपने बच्चों की स्कूल की फीस के मामले में स्कूल प्रशासन को जगाने आए हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन है कि ना जागता है और ना ही इनकी बात को मानता है। जाहिर है कि स्कूल प्राइवेट है तो मनमानी तो करेगा ही। बिना मनमानी के भला स्कूल प्रशासन का खाना कैसे पच सकता है। लेकिन साहब, कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन में लोग पहले से ही परेशान थे, उन्हें और परेशान मत करो। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रशासन पूरी फीस की मांग कर रहा है। ये अभिभावक फीस देने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन कह रहे हैं कि आधी फीस ही ले लो। और जब तक हम फीस नहीं देंगे और जो ऑनलाइन क्लासेस अब चल रही है उसमें हमने इनसे 50% फीस की मांग की है। और मैडम के पास हम आए थे पहले भी, मैम को हमने रिटर्न भी दिया था और मैम ने कहा था कि हम मैनेजर को आपका जवाब देंगे, लेकिन मैम की तरफ से कोई भी आंसर नहीं आया हमारे पास। अभिभावकों का कहना है कि आधी फीस की गुहार लगाए, लेकिन कोई जवाब स्कूल की तरफ से नहीं आया। फीस भरने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, कुछ नहीं सूझा तो स्कूल के बाहर प्रदर्शन के लिए आ गए। प्रदर्शन शांति से कर रहे हैं, प्रिंसिपल से मिलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ना प्रशासन बाहर आता है और ना ही प्रिंसिपल साहिबा मिलने आती हैं। प्रशासन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, भाई हमारे बच्चे जो पिछले इतने 17 सालों से मेरा बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है, हम बच्चों को हटाना नहीं चाहते, चलो आपस में मिल बैठ के बात कर लेते हैं और आप आधी फीस ले लो जब तक स्कूल सही ढंग से नहीं लगता। स्कूल प्रशासन ने 2-2.5 महीनों से कोई भी हमें जवाब नहीं दिया आज तक। सारे पेरेंट्स आज हम इकट्ठा होके सभी इसीलिए आए हैं, अब सुबह से हम 10 बजे से यहाँ स्कूल में खड़े हैं और मैडम अपने ऑफिस से उठ के यहाँ तक ना था हमें कोई बात अब तक कोई बात करने आया बंदा और ना हमें कोई जवाब दिया इस बात का। अभिभावकों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से एक तो उनके रोजगार पर असर पड़ा, बच्चों की पढ़ाई रुक गई, जब ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई तो परिवार पर फोन और इंटरनेट का खर्च अलग से पड़ गया। घरों में 2 बच्चे हैं तो दोनों की क्लास के लिए 2 फोन लिए गए, दोनों के फोन में इंटरनेट डलवाया गया, अब स्कूल भी पूरी फीस भरने के लिए जोर डाल रहा है। हमारी मांग यही है जी, जिन 4 महीनों में स्कूल का कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर फोटो खींच के इन्होंने स्कूल का काम जो भेजा है उसके अंदर, भाई मेरे पास तो मोबाइल है जी एक, मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो 2 बच्चों का अलग अलग मोबाइल किस तरह शेयर करूं, 2-2 खर्चे नेट के हमारे बढ़ गए, सारी चीज मजदूरी, मजदूर आदमी किस तरह इतने इतने खर्चे अफोर्ड करेगा और किस तरह इनको स्कूल की फीस देगा। मेरे बच्चे का शुरू महीने से मार्च के बाद से अब तक लेके मैथ के ग्रुप में नाम ही नहीं है और ये पैसे मांग रहे हैं पूरे, इतनी लापरवाही है इनकी। अभिभावक मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान की फीस माफ की जाए, ऑनलाइन क्लास के लिए फीस 50% कम की जाए। जब इन बातों को लेकर अभिभावक स्कूल पर प्रदर्शन करने पहुंचे तो स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा को ये बात भी नागवार गुजरी। प्रिंसिपल अनुजा मेहता का कहना है कि उन्होंने अभिभावकों की बात सुनी, हमको जितनी फीस कम करनी थी कर दी, इतना ही नहीं मैडम तो कानून का हवाला भी देने लगी। बात नहीं सुन रही, 3 बार मिल चुके हैं स्कूल में आके, ये 3 बार मुझसे पहले आके मिल चुके हैं, बात ना सुनने की क्या है, मुझे भूल गए थे अपनी बात, इनको अपनी बात कहने का कानून भी अधिकार देता है, इन्होंने अपनी बात कह ली, उसके बाद हमने भी देखना है कि हम कितना कर सकते हैं और जितना हम कर सकते हैं हमने कर दिया। प्रिंसिपल साहिबा ने तो अभिभावकों के प्रदर्शन को ही गलत बता दिया, नारेबाजी को संवैधानिक बता दिया, कह दिया कि स्कूल में नारेबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले बातचीत करेंगे, अगर हमें सुझाव अच्छे लगे तो अमल भी करेंगे, वरना भैया आप लोग अपने बच्चों की टीसी ले जा सकते हैं। स्कूल प्रमिसेस में आके इस तरीके की नारेबाजी करना, इस तरीके से कहना, ये गलत है
और अगर उनको मुझसे बात करनी है मैं अवेलेबल हूँ, मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ग्रुप में नहीं, चार या पांच लोग कोई भी आए मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद स्कूल ये सोचेगा कि उसको क्या करना है। आपने तो अपनी बात कह दी, लेकिन ये तो बता दीजिए कि जब स्कूल ही बंद थे तो फिर परिवार स्कूल फीस क्यों देगा, और जब ऑनलाइन क्लास ही चल रही है तो फिर आधी फीस लेने में क्या बुराई है। आपने स्कूल बच्चों की पढ़ाई के लिए खोला है या फिर मोटी कमाई करने के लिए? हरियाणा न्यूज़ के लिए फतेहाबाद से अजय मेहता की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं फतेहाबाद से हमारे संवाददाता अजय मेहता की ओर। अजय, जरा बताएं कि अभिभावक तो लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फीस अगर ले रहे हैं तो आधी फीस ले ले, लेकिन स्कूल जो संचालक है वो मानने को तैयार ही नहीं है। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो अभिभावकों की ओर से और क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई और संचालकों का क्या क्या कहना था? बिल्कुल बताना चाहूंगा, फतेहाबाद के अंदर जिस प्रकार से आज ये जो पेरेंट्स हैं स्कूल के अंदर जाकर के इन्होंने हंगामा किया, उनका यही कहना था कि जो लॉकडाउन की अवधि है, लॉकडाउन की अवधि के अंदर जब बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है तो फीस किस बात की दें। दूसरी बात इनका ये भी कहना था कि जो ऑनलाइन क्लासेस लग रही है वो एक औपचारिकता मात्र है, उससे कि ना तो बच्चों को फायदा हो रहा है ना उनके जो है सिलेबस क्लियर हो पा रहा है, ऐसे में फीस देने का कोई औचित्य नहीं बनता। अगर स्कूल प्रशासन फिर भी चाहता है कि स्कूल फीस दी जाए तो उसके एक परसेंटेज बांध दी जाए, 50% या 40% या 60%, लेकिन स्कूल प्रशासन जो है अपनी हट पे अड़ा हुआ है कि पूरी फीस लेंगे तभी बच्चों को पढ़ाएंगे। और यहाँ तक भी बच्चों का पेरेंट्स का ये भी कहना रहा है कि बच्चों को जो है इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो मोबाइल भी दो दो तीन तीन मोबाइल बच्चों को लेके दें, उसके बाद इंटरनेट का खर्चा भरे, तमाम जो एक्सपेंसिज है अपने ऊपर भरने के बावजूद स्कूल फिर फीस मांगता है, जो सरासर गलत है। इस मामले में जब हमारी स्कूल प्रशासन से बात हुई तो उनका कहना था कि जो संवैधानिक होगा, जो कानून सम्मत होगा, जो सरकार तय कर चुकी है उसके अकॉर्डिंग ही स्कूल प्रशासन फीस ले रहा है, ऐसे में दोनों तरफ से जो है तनातनी अभी भी बनी हुई थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए।